माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे बेन जो है वो इस हफ्ते हमें इतनी ओवरडोज देगा कि सानू उल्टियाँ ही लग जानी है। क्या स्कूल में जाती हुई जो ए लेवल की बच्ची है ना, उसको भी पता होता है कि उसके क्लास फेलोज कहाँ रहते हैं? तो आप एक बंदे से इश्क लड़ा रहे हैं और आपको ये भी नहीं मालूम ना उसके बाप का पता, ना वो खुद क्या करता है। बस अंस अनस अनस मतलब दरला रहा था भाई ताटियाँ शक्लों के होते। तो ये मेरे बाजी जो है वो उन्होंने पीछा किया मुड़सिम का और पहुँच गए। वहाँ जाते उन्होंने आओ देखी ना ताओ देखी, उन्होंने फौरन मुड़सिम साहब के किरदार पर लगा दी, ये तुम्हारा दूसरा घर है, तुम रातें यहाँ गुजारते हो। बाजी दो रखियाँ नड़न तेरे कम के थले चंडा कि तू वेखते लै अपने खसम उसकी तैयारी उसके रहन सहन वेख, और उधर देख जिस गली के छोटे से तू घर में आई और सामने जो कभी औरत बैठी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे बेन जो है वो इस हफ्ते हमें इतनी ओवरडोज देगा कि सानू उल्टियाँ ही लग जाएंगी। तो दो एक साथ उन्होंने ईद के दो दिनों में जारी की और दो जो है उसके बाद अपने रेगुलर डेज में। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने कल तीन किस्तों का रिव्यू तो कर दिया था, रात मैंने देखा एक और आ गई तो मैंने कहा चलें अब 5 मिनट आप और सुन लें। तो पिछले किस्से अगर हम जोड़ के देखें तो डायरेक्टर साहब जो है ना, मुझे लगता है कि मैं लाइक ना राइटर का इसमें कोई कंट्रोल है ना डायरेक्टर का कंट्रोल है। अच्छा ड्रामा, अच्छी किस्तें, आसान जबान में हम कहते थे कि एक होता है पिन्ना बनाना, जिन्होंने पतंग उड़ाई है ना लाहौर में उनको मालूम है कि जो डोर का पिन्ना करते हैं ना वो एक तर्ज पे घूमती है, एक स्टाइल पे, एक तरफ आप उसको रोल करते हैं फिर आप टर्न करते हैं फिर दूसरी तरफ रोल करते हैं, वो सिर्फ तभी नहीं बनते जब पिन्ने बनते हैं, जब आप पतंग उड़ाते हैं और वापस भी रोल करते हैं तो उसको उसी हिसाब से उसी उसकी तय के ऊपर लगाना होता है ताकि उसकी एक शक्ल बरकरार रहे। तो इस ड्रामे की कोई शक्ल तो बरकरार नहीं है। पहले आपने उनको तकरीबन 30 किस्तों में इधर से उधर, वो कहते हैं ना, मैंने बार बार यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मैं दोबारा कह रही हूँ कि पानी में मदानी की तरह आप चलाते गए। अब तो पानी में भी जान नहीं है कि वो मजीद घूम सके, तो आपने कहा चलो जी अब इसमें मसाला 12 मसाले डालते हैं जो जो जहाँ जहाँ जिसको अच्छा लग रहा है और इसकी गिट करनी शुरू कर देते हैं। तो जब पतंग की गिट करते हैं ना तो वो रंग रंग की, उसमें डोर कहीं से आपने पतंग लूटी हो उसकी डोर का एक लंबा पीस हो अब उसको भी जोड़ते हैं गिरा लगाते हैं ऐसे मुँह से यूँ टाइट करते हैं, जिन्होंने पतंग उड़ाई है ना उनको बात समझ आ रही होगी, ऐसे चेक करते हैं और गिट करी जाते हैं। तो ये ड्रामा भी जो है ना अब गिफ्ट करने के ऊपर आ गया, इसके अलावा तो इसमें कोई चीज़ नहीं रही है। तो बोंगियाँ आ जाएं जी जैकेट, तो फिर इसमें सॉरी बोंगियों से पहले एक बात, वो पहले बात ये है कि ये ड्रामा इस चीज़ के ऊपर इसका एडिफिस बाकी ड्रामों की तरह रखा गया है कि औरतें कम अक्ल होती हैं, बेवकूफ़ होती हैं, ना हालात से समझती हैं, ना हालात के साथ एडजस्ट करती हैं और ना उनको कभी कोई अक्ल की बात दिखाई जाए सुझाई जाए तो उनको समझ आती है। पहले मीरब और अब मरियम का किरदार इस कहानी में, वो जो गोद की तरह हम खींचे चले जा रहे हैं, पहले मीरब और मुर्तसिम का इश्क M&M बंटिंग्स की तरह और अब मरियम का बेवजह का एक पसंद की शादी वाला इश्क, जिसमें मरियम को खुद भी नहीं पता कि वो बंदा कौन है, ना उसकी माँ का पता, ना उसको पता बाप जिंदा नहीं जिंदा, रहते कितने, मतलब इतना आपने इश्क लड़ाया और आपको यही नहीं पता वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। आजकल तो कॉलेज में क्या स्कूल में जाती हुई जो ए लेवल की बच्ची है ना उसको भी पता होता है कि उसके क्लास फेलोज कहाँ रहते हैं। तो आप एक बंदे से इश्क लड़ा रहे हैं और आपको ये भी नहीं मालूम ना उसके बाप का पता, ना वो खुद क्या करता है। बस अंस अनस अनस मतलब दरला रहा था भाई ताटियाँ शक्लों के होते। तो ये मैं कह रही हूँ ये वो टॉक्सिक किस्म का नैरेटिव है जो ये ड्रामा दिखा रहा है। मैंने कल भी कहा था आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि लड़कियाँ जब पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं तो यही करती हैं और वो उक्का बेवकूफ़ होती हैं, और बेवकूफ़ के लिए उन्होंने मीरा का किरदार दिखाना शुरू कर दिया कि मुर्तसिम की हर बात सही होने के बावजूद और वो उसका काम सिर्फ गलतियों पर गलतियाँ करना है, बदतमीज़ी करना है, बदतमीज़ी करना है, मारना नहीं ज़िद करना है और बाद में गलत ही साबित होना है और आई एम सॉरी का वर्ड भी बड़ी मुश्किल से निकलना है। तो इस और मेरा बाजी फिर
अब इस किस्त की है अगर बात करें तो उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुर्सिम की अम्मी बनना है कि बीवी बनना है, या वो हर जब बात करना शुरू करती हैं तो वो बात ऐसे शुरू करती हैं कि वो उनकी क्लास लगा देती हैं, वो क्लास की मॉनिटर होती हैं या प्राइमरी सरकारी प्राइमरी स्कूल की टीचर बन जाती हैं, जिसको आधी बात पता होती है आधी नहीं पता होती, मगर जो टीचर होती है उसके हाथ में डंडा होता है, मुर्सिम तुम्हें नहीं पता, तुम यही करोगे, मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगी। वो टीचर मुर्सिम जो स्टूडेंट है ना, वो मुर्सिम की तरह अक्लमंद होता है, जब वो सही जवाब देता है तो फिर हम कहते हैं ये तो नहीं हो सकता कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, नहीं, मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर सकती, मैं ओवरवेल्म हो गई हूँ और मुझे बुरा लग रहा है और इसलिए, मतलब लाइक वॉट यार, फॉर गॉड सेक बस करते हो ना, मतलब आप क्या कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं इस किस्त में, दो ही बातें हुई, एक बात ये हुई कि मेरा बाजी जो है वो उन्होंने पीछा किया मुर्सिम का और पहुंच गई, वहां जाते उन्होंने आओ देखी ना ताओ देखी, उन्होंने फौरन मुर्सिम साहब के किरदार पे लगा दी, ये तुम्हारा दूसरा घर है, तुम रातें यहाँ गुजारते हो, बाजी दो रखियां ना ना तेरे कंधे थले चंडा, कि तू वेखते लै अपने खसम ओदी तैयारी ओदे रहन सहन नू वेख, और उधर देख जिस गली के छोटे से तू घर में आई है और सामने जो तेरी औरत बैठी है, तुम्हारे घर की मासियां उससे बेहतर हालत में है, तो उसने जाके इस मासी से ही इश्क लड़ाना था, मतलब इत्थे भाजन ए खोपड़ा खाली है, कोई सेंस बनती है इस बात की? कोई सेंस नहीं बनती। आओ देखना था यप, और उसके बाद आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आंखें जो है ना वो आप पटपटाने शुरू करते, और आई एम सो सॉरी, आई एम, भाई कितनी दफ़ा ना इस ड्रामे में अगर आप सिर्फ ये काउंट करना शुरू कर देना कि मीरब ने कितनी दफ़ा सॉरी बोला है मुर्सम को और कितनी दफ़ा अपनी गलतियां मानी हैं, तो मेरे ख्याल में ये 38 से कम 25 किस्तें तो बन जाएंगी, जिसमें आप उसके सारे आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी के सीन जोड़ सकते हैं। मेरे बाजी को बहुत बुरा लगा कि मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए ये मुझे गवारा नहीं है, अगले के किरदार के आप अंदर जाके हेड ऑन वाजी गई हैं, उसने तो तुम्हें तुम्हारे उस क्लास फेलो के साथ जिसको तुम खुद मानती थी कि जनाब हाँ जी को पसंदीदगी थी नहीं थी, और वो भी दीवानावार आपकी चाहत में वो 2 फुट दे लव बोर्ड के नाल पागल होया पिया सी, इधर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था ना, उसने कभी कहा ना कुछ, तो अपना किरदार आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आपके शौहर का किरदार इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात बहुत गलत है। किरदार औरत का हो या मर्द का हो, दोनों इक्वल इंटेग्रिटी के हामिल हैं, उनके ऊपर बगैर किसी एविडेंस के उंगली उठाना गलत बात है, तो ये बात नहीं है कि मर्द जो है वो कर ले तो वो सही है और औरत करे तो गलत है, तो इसमें आई थिंक दोनों चीज़ें बहुत गलत बताई गई। तो मीरब साहब आई एम सॉरी, मेरा गला ख़राब है, मीरब साहबा दुर फुट ताडे बूथे उत्ते, कि यह जड़ा है ना तुसी इन्ने सोफिस्टिकेटेड खसम के होने के बावजूद वो तुसा शक्ल वेखे बगैर जो उस पर इल्ज़ाम लगाया, फिर जनाब आ गई हैं, और फिर आपको वो मीरब जो है ना वो 1 मिनट में बहुत अकलमंद एंड ऑल रिजॉल्विंग हो जाती है, एक मिनट में बहुत चूची लल्लू और बेवकूफ़ परेशान हिरनी बन जाती है, ये बड़ा पसंद आता है ना, नाइविटी वाली ख्वातीन जो हैं वो हमारे माशरे में बड़ी पसंद की जाती हैं, तो वो उस फौरन जो है ना परेशान हिरनी मैनू की मालूम मैगी जाना भोलिए मज्जे नारकली दिया शाना वो वाली शक्ल बना के बह जाती है, तो फौरन जनाब वो भोली मज बन गई हैं, और वो आके उससे जनाब सॉरी भी मांग लेती हैं। फिर आ जाते हैं जी मुर्सिम साहब, मुर्सिम साहब चूँकि मरियम के इश्क में मुबतला हैं तो और अपनी बहन का ख्याल भी करना चाहते हैं, तो वो घर चले गए हैं जनाब अंस का घर ढूंढने, और वो घर जाहिर है कोठा है, उत्थे वैसे मुर्सिम साहब ने कोठे ते भी जाके बाहर तो लैके अंदर तक जिस तरह बिहेव किया ना एज इफ उन्होंने कभी ना कोठे बारे सुनिया सी ना वेख्या सी, और ऐन शहर के बीच में कोठा था, वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, तो वह वहाँ पहुँच गए, वापस आके वो अपनी बहन की लान तान करते हैं, सीधा बहन को बता देते ना कि क्या मालूम था तुम्हें, उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, खैर वहाँ नहीं किया, मगर उन्होंने बाद में मीरब को बताया कि वो कोठे पे गए थे, मगर कोई भी और मीरब भी मुर्सिम की बात को मानने को तैयार नहीं है, 10 दफ़ा ख़ता खाने के बावजूद
तो वो कहती हैं तुम गलत एड्रेस पे चले गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं होगा, और अगली किस्त में जाहिर है हम यही तमाशा देखेंगे जदों तक बाजी मरियम नू मीरा बाजी नसा नहीं देती। मतलब आम हालात में इस तरह के घर में खवातीन हरकतें कर रही हो ना, तो खुदा की कसम उनको या वो वापस भेज देते हैं या उन्होंने नाल वो कुत्ते वाली होंगी है ना कि ना कुछ ना पूछो। मगर ये ड्रामा है और चूंकि रार 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 बहुत पसंद आ रहा है तो ये बकवास चलती रहेगी। सो लेट्स सी हमें कितनी देर और एंड्योर करना पड़ेगा। मगर मुझे लग रहा है कि हफ्ते एक में गल होपफुली ख़त्म हो जाएगी तो ये अजाब साढ़े तो लथ जाएगा। चल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।